मेरे प्यारे सभी श्रोतागणों को जश्न आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ही अपन बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर आप लोग सुनते हैं टीवी पे, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में बहुत जगह देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन फुल फॉर्म्स के बारे में आपको अक्सर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कुछ प्राइवेट बैंक की बात करेंगे, कुछ सिविल ऑफिसर्स की बात करेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स की बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले अपन प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करेंगे। जैसे ICICI बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये बैंक आपका प्राइवेट बैंक है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है, और फिर है HDFC हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब अपन कुछ सार्वजनिक बैंकों की बात करेंगे, जिसमें SBI सबसे पहले आता है। SBI की जो फुल फॉर्म होती है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये दोनों ही सार्वजनिक बैंक की कंपनी है। अक्सर अब अपन सिविल ऑफिसर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका DM आता है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, जो पूरे ज़िले की देखरेख करता है। फिर इसके बाद आता है ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अक्सर आप लोग बहुत सारे अपनी तहसील में SDM का नाम सुना होगा या SDM की फुल फॉर्म के बारे में जानने का प्रयास किया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि SDM की जो फुल फॉर्म होती है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जो एक तहसील लेवल का अधिकारी होता है। फिर BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो एक किसी ब्लॉक के ऊपर इसको तैनात किया जाता है और उसकी देखरेख में ही उसमें डेवलपमेंट किया जाता है। फिर होता है VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एक किसी ब्लॉक की या फिर किसी गांव विलेज लेवल का ऑफिसर होता है, जो अपने एरिया के अंदर विकास करवाता है। फुल फॉर्म के इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे WTO, WHO, WB, IMF, UNO आदि के बारे में। आप बहुत सारे कई बार TV पे, समाचार पत्र पत्रिकाओं में अवश्य सुना होगा, देखा होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को करी गई थी, और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। फिर दूसरे नंबर पे आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर आप COVID-19 के अंदर आपने बहुत जगह WHO का नाम सुना होगा, जिसकी स्थापना हम किसी स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को एक देश से दूसरे देश में साझा करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी, और इसकी स्थापना लगभग 7 अप्रैल 1948 को करी गई थी, और इसका भी जो मेन ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में ही है। नेक्स्ट आता है WB। WB का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना सन 1945 में करी गई थी, और इसका जो मेन जो ऑफिस है वो वाशिंगटन में है, और इसका जो मेन पर्पज़ था वो किसी देश को लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए इसको बनाया गया था, कि किसी देश को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की या कैपिटल की आवश्यकता पड़े तो इससे आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो आपका आता है, जो बहुत शॉर्ट टर्म लोन के लिए जाना जाता है, जो शॉर्ट टर्म लोन लेना होता है वो इसी के पास जाता है, और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1995 में करी गई थी, और इसका भी जो मेन ऑफिस है वो USA में ही है। फिर आता है आपका UNO, जो अभी एट प्रेजेंट टाइम मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो दोस्तों, UNO की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनाइटेड नेशन होती है। अब बहुत सारे एग्जामिनर्स जो कंडक्ट करवाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले आता है IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और यह बैंकों से संबंधित जितने भी रिक्वायरमेंट देश में होती है उसको पूरी करता है, और उसकी मतलब जॉब में सिलेक्शन इसी के माध्यम से होता है। फिर आता है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ऑलमोस्ट अधिकतर जितने भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी भर्ती के लिए ये लाइबल होता है। फिर आता है UGC, इसमें आपका होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और यह बहुत
ऑलमोस्ट प्राइवेट या गवर्नमेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनको कंट्रोल करने का काम आपका यूजीसी करता है। फिर आपका आता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल डॉक्टरेट से संबंधित कुछ टेस्ट होता है जो डॉक्टरेट से पहले करना होता है। कुछ आप इकोनॉमिक्स से संबंधित फुल फॉर्म अवश्य सुने होंगे, जिसमें आपका है जीडीपी। अक्सर आप टीवी पे या समाचार पत्र पत्रिकाओं में जीडीपी का नाम अवश्य सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो देश को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से देश की कितनी हेवी जीडीपी है और कितना उसका मतलब टर्नओवर होता है, उसी हिसाब से जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। फिर आता है HDI, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत सारे देशों में कैलकुलेशन इसकी की जाती है और इसमें यह पता लगाया जाता है कि कौन सा देश कितना डेवलप है और कितना मतलब विकास के करीब है, इसके माध्यम से ही अपन जान पाते हैं। फिर आता है आपका MP और FC। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस और FC का होता है आपका फैक्टर कॉस्ट। अक्सर आप ये बहुत जगह नाम सुनते भी होंगे, जानने का प्रयास भी किया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं है किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।